हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक आईटी पैक से का एक शेयर है, छोटा शेयर है, उससे रिलेटिव बातें करने जा रहे हैं। ओके, और आपको बताना चाहता हूँ, मुझे उसके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, उसके फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। और जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड, मैं उससे उसका कंपेरिजन सीधे हैप्पीएस्ट माइंड से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है, देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत छोटा सा शेयर, स्मॉल कैप शेयर है, और बस इनका जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बड़ा है। और ये शेयर देखिए, मैंने आपको जब ये शेयर आया था तो लगभग 330 के आसपास भी मैंने रिकमेंड किया था और आपको बताया था, और आपको बोला था कि इस शेयर को बाई कर लीजिएगा। ये शेयर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है, मल्टी बैगर रिटर्न देगा फ्यूचर में। ओके, काफ़ी बार वीडियो बनाई है, उसका लिंक ऊपर दे दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसका फंडामेंटल्स और आज की डेट में कितना 20% का अपर सर्किट लगा है। तो ऐसे ही एक शेयर आपके लिए और ढूंढ के लाया हूँ, काफ़ी बेहतरीन, मुझे पसंद आ रहा है वो शेयर। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये जो शेयर का नाम है वो है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, शेयर का नाम सुन के भाग जाने वाले फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके ही जाते हैं। तो ये शेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आज के दिन लगभग 3.5% की यहाँ पर जंप। 5 डेज़ का अगर चार्ट पैटर्न हम देखते हैं तो देखिए, 5 डेज़ का चार्ट पैटर्न काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आता है। ओके, यहाँ पर आपको अच्छा खासी यहाँ पर जंप भी नज़र आती है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं, पॉजिटिव है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है। 1 ईयर का अगर हम देखते हैं तो 1 ईयर में लगभग लगभग 200% तक के रिटर्न इस कंपनी ने आपको बना के दिए हैं। ओके, अगर मैं यहाँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी दिखाऊँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। सॉरी, ये 2018 से बता रहा हूँ कि 2018 से अभी तक कंपनी ने लगभग 350-400% के रिटर्न दे चुका है। और ऑल टाइम की भी बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न आपको कमा के यहाँ पर दिए। कंपनी देखिए, कोई भी कंपनी आती है, ये कंपनी कब 2006 में आई है, तो स्टार्टिंग में तो कंसोलिडेशन पे चलती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई है, 5-6 साल कंपनी को लगते ही है ग्रो होने में। ओके, फिर भागी भी थी, बट स्मॉल कैप कंपनी है तो देखिए इस तरीके की सारी चीज़ें इसके साथ होगी, वॉलीटिलिटी इसके साथ होगी। बट आईटी कंपनी है और आईटी का आजकल किस तरीके का बोलबाला है आपको पता ही है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, आज के दिन लगभग 33% की डिलीवरीज उठाती हुई देखिए, 13 मार्च को 58 रुपये का शेयर था, 52 वीक हाई की बात होगा, 6 अक्टूबर को 135 का था, उसके बाद शेयर नीचे गिरा और आज की डेट में फिर दोबारा ऊपर आ रहा है आफ्टर रिजल्ट। तो अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 51% शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी 48% शेयर यहाँ पर केवल पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास मेरे ख्याल से बहुत थोड़े ही है, इसमें भी बड़े बड़े लोगों ने ले रखा है। सॉरी, तो अगर बात की जाए कंपनी का फंडामेंटल्स अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि आईटी पैक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आईटी पैक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी क्या क्या काम करती है। पहली बात तो गूगल क्लाउड के साथ इसका टाई अप है, एंड देखिए इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक कस्टमर मैनेजमेंट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्विस कॉम। ओके, यहाँ पर आप जाके यहाँ पर क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको ऊपर से ही बता रहा हूँ। अगर बात की जाए कंपनी क्लाउड में भी काम करती है, क्लाउड इनेबलमेंट में अगर बात की जाए तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सॉल्यूशंस में कंपनी काम करती है, क्यूए टेस्टिंग में काम, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये फाइनेंस सेक्टर में, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर है, उसमें अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके, अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम होता है, तो वहाँ पर भी ये कंपनी काम करती है। रिटेल, ई कॉमर्स, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, तो मतलब ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है, तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आता है। तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके सब चीज़ के बारे में आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगर बात की जाए कंपनी के फाइनेंस की तो उसके फाइनेंस दिखा देते हैं, बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे रखे हैं, एक फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन होने के लिए, जो कि एंजल ब्रोकिंग के साथ हो जाएगा, बहुत अच्छा नेट नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। ओके, 0 डिलीवरी चार्जेस है, और अगर ओपन कराते हैं तो 1 महीने के लिए ट्रेडिंग के लिए आपका कोई ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर श्री राम जी का जन्मभूमि के लिए यहाँ पर डोनेशन के लिए मांग की गई है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर सीधे जाएंगे और वहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार आप मंदिर के बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इस पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। तो दोबारा जिससे रिलेटेड बात कर रहे थे, आर सिस्टम इंटरनेशनल, तो जैसे कि क्या बता रहा हूँ कि इंगेज इन प्रोवाइडिंग आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज, सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप कंपनी है,
ओके, बड़ी छोटी कंपनी है, 1429 करोड़ रुपीस की कंपनी है, तो आपको डिस्क्लेमर यहीं पर ही देना चाहता हूँ कि ये शेयर छोटा शेयर है, तो कम ही क्वांटिटी रखनी है, ज़्यादा रखनी नहीं है पहली बात। और अगर कोई ख़रीद भी रहा है तो सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की और ख़ुद की स्टडी कर लीजिएगा। और तीसरी बात कि इसमें ये वॉलेटिलिटी बहुत होगी, अगर शेयर भाग जिस तरीके से रहा है तो गिरेगा भी उसी तरीके से, तो इस तरीके की वॉलेटिलिटी रहेगी। बट ROC की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन ROC है, 26.7% की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के ROCE की, तो ये किस किस को, एम्फेसिस को टक्कर दे रही है, एज वेल एज कोफोर्ज को टक्कर दे रही है, परसेंटेज सिस्टम को, टैनला को, तो इन सब कंपनी को इसमें ROCE में कम्पीट कर रही है। अगर बात की जाए क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स देखिए अब यहाँ पर सेल्स 2018 में 152 करोड़ रुपीज़ थी मार्च में, अगर क्वार्टरली वाइज ये सेल्स है। और अगर बात की जाए अभी, तो देखिए दो मार्च 2020, जून, सितंबर और दिसंबर, अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूस देखते हैं तो जंप ही हमें नज़र आ रही है। और हम यहाँ पर प्रॉफिट भी देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी कंपनी में लगातार आपको जंप ही नज़र आएगी। और सबसे ज़्यादा अभी तक का प्रॉफिट इसी क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में, 29 करोड़ रुपीज़ का इसने जनरेट करके दिखाया भी है। अगर बात की जाए यहाँ पर ईयरली बेसिस पे, तो ईयरली बेसिस पे भी अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट को जनरल काउंट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बस यहाँ पर एक 98 करोड़ रुपीज़ दिसंबर 2015 में आया था, उसके बाद सेल्स गिरती गई और अभी लगभग 82 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ कंपनी को नज़र आ रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। अगर बात की जाए कंपनी के रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स कंपनी के पास यहाँ पर देख सकते हैं 415 करोड़ रुपये का रिजर्व्स है, जो कि कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। बोरिंग की बात की जाए तो कंपनी के पास थोड़ी सी बोरिंग है, कितनी, 8 करोड़ रुपए की। और अगर बात की जाए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी ने 13 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। कंपनी के पास अगर कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए, 250 करोड़, मतलब 250 करोड़ रुपए का तो कैश कैश एंड कैश बैंक बैलेंस है इनके पास। एसेट देखिए कंपनी के कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर जरूर देखिएगा, सबसे मेन है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी देखिए, पहले यहाँ पर 2018 में इतनी थी, फिर इसके बाद अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और थोड़ी थोड़ी परसेंटेज में यहाँ पर अगर देखेंगे तो थोड़ी 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 हिस्सेदारी, मतलब 0.2%, 0.30% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर ही आएगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स, DIS, इसमें कोई है नहीं, बट इन लोगों ने अपने अपने पैसे इतनी इतनी परसेंटेज कंपनी में खरीद रखी है। ओके, FIAs ने, को DIS इसमें है नहीं। और पब्लिक में भी अगर देखते हैं ना, तो पब्लिक में भी देखिए ये जो शख्स है भावुक, उनके उन्होंने लगभग 36.85% की हिस्सेदारी ले रखी है, और इधर ब्रह्म ने ले रखी है 1.64। अगर यहाँ पर बात की जाए प्रभा कराओ ने ले रखी है कितना, 1.12। अगर बात की जाए यहाँ टोटल अगर हम देख लेते हैं तो ये लगभग लगभग होता है 39% के आसपास। ओके, यहाँ पर 39-40% के आसपास होता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पब्लिक के पास कितना रह जाता है, कि पब्लिक के पास रह जाता है केवल 7 और 8%। तो आप देखिए सारी हिस्सेदारी ना बड़े बड़े लोगों के पास ही है, पब्लिक के पास है केवल थोड़ी सी हिस्सेदारी। तो इस बात को थोड़ा नज़र नज़र रखिएगा कि प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं, और सारे शेयर मोस्टली बड़े बड़े लोगों के पास ही है। ओके, इनके पास फॉरेन इन्वेस्टर DIS के पास बेशक से नहीं है, बट इन लोगों के पास जो ये बड़े बड़े लोग हैं, पर्टिकुलर पर्सन है, उनके पास ही हिस्सेदारी है, तो पब्लिक के पास थोड़ी सी हिस्सेदारी। और रिजल्ट्स देखिए कंटिन्यूसली अच्छे देती आ रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो ये जो ये कंपनी है आपको फ्यूचर में शायद अच्छा खासा रिटर्न देती हुई हमें नज़र आ सकती है। और जिस तरीके का इसका जिस जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रही है और IT जिस तरीके से चल रहा है, ओके, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी ब्लास्ट करने वाली है। तो इसलिए इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। ओके, और कुछ भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा, खुद की स्टडी कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए, ताकि हम इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लेते रहें। और एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ आपको, कि ये जो शेयर था, ओके, HDFC का 1:10 का, ओके, वो स्प्लिट फाइनली हो गया है। तो आपको स्प्लिट में आपके पैसे तो कम दिखा रहा होगा, माइनस में दिखा रहा होगा पैसे, बट जो स्प्लिट हुआ है, तो ये स्प्लिट का जो ये आपको जो शेयर है
ओके, अगर आपके पास 100 शेयर है तो ये आपको 1,000 शेयर में कल की डेट में आपको आने वाले टाइम में दिख जाएंगे, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको माइनस में आ गया है, तो ऐसा कुछ पोर्टफोलियो है नहीं। वो तो जो मार्केट के हिसाब से शेयर चलेगा वो होगा, बाकी आपके शेयर यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।